वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। तो एक अनदर फंड पे एनालिसिस करने वाले हैं, पराग परिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे आपके निवेश के लिए अच्छा है या नहीं। तो देखिए, मैं तो वैसे कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि मैं कौन हूँ, भी आप निवेश करें या ना करें, पर फिर भी एज ए फ्रेंड ही लगा लीजिए आप, तो फाइनेंशियल फ्रेंड। या तो मेरा ये फ़र्ज है कि आप अच्छे फंड्स में निवेश कीजिए और मर्जी है आपकी, बट आप अपने एनालिसिस से ही ज़रूर सलाह कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी रिस्क प्रोफाइल कुछ भी हो सकती है, मेरा नज़रिया कुछ भी हो सकता है फ़ंड को देखने का, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको हर बार। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो लॉन्च डेट से शुरुआत करेंगे हम। तो लॉन्च डेट है जो फ़ंड की, वो है 28/5/2013 को फ़ंड लॉन्च हुआ था। फ़ंड मैनेजर जी हैं जो, वो हैं राजीव ठक्कर जी, रौनक ओंकार जी, राज मेहता जी। अमेजिंग, तीनों फंड मैनेजर जी आरआर। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप 1000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ लमसम अमाउंट, और मिनिमम SIP है वो है 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। एग्जिट लोड 2% है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर निवेश से एग्जिट करते हैं, बट 1% उसके बाद 1% लगेगा, बट आफ्टर बिफोर 2 ईयर्स। अगर आप 2 साल से पहले, 1 साल से पहले अगर आप निवेश से एग्जिट करेंगे तो आपको 2% एग्जिट लोड लगेगा, और उसके बाद आपको 1% 2 साल से पहले। तो बेंचमार्क है जो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक मल्टी कैप फंड है जिसका रिस्क प्योर स्मॉल कैप या मिड कैप से कम होता है। तो रिस्कोमीटर है जो, वो है मॉडरेटली हाई है थोड़ा, क्योंकि सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ी थोड़ी स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप सब में होता है, मल्टी कैप फंड है ना। तो फंड साइज है जो, टोटल AUM है वो है 2448.13 करोड़ का फंड का AUM है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 मंथ में जो रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं वो 7.20% की पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही हैं। 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स 6.09% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 3 साल में 7.01% की पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर, और 5 साल में भी 7.7% की जो रिटर्न्स हैं दिखाई दे रही हैं। मैक्सिमम जब से फंड लॉन्च हुआ है अब तक जो हमें रिटर्न्स मिली हैं वो 13.84% की रिटर्न्स हैं। NAV है जो 24.44 पैसे एज ऑन 17 अप्रैल। होल्डिंग्स जो है, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी बन गई है अल्फ़ाबेट, आपको पता होगा, तो उसमें है जो इनका निवेश है 9.31%, और HDFC बैंक में 9.30%। काफ़ी मेरे को तो दोनों ही अच्छी कंपनीज लगी, तो जो उनसे तीसरी कंपनी बताने वाला हूँ वो भी आपकी मन पसंदीदा कंपनी होगी जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, amazon.com USA में। इनकी जो हिस्सेदारी 9.27% की जो फंड की होल्डिंग्स है वो अमेजोन में है। फेसबुक जो आप यूज़ करते हैं, सोशल साइट है बहुत बड़ी मार्क जकरबर्ग जी की, तो उनमें है जो 6.35%। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 6.32% की। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जानते हैं अब स्कीम का, कि जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि तो चलिए, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एंड एक्टिवली मैनेज प्राइमरीली ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़। तो देखिए, जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक जनरेट हम कह सकते हैं कि रिटर्न जनरेट करना है एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से, विद अ लॉन्ग टर्म होरिजन। तो अगर आप इसमें अच्छे समय के लिए, थोड़ा लंबे समय के नज़रिए से इसमें निवेश करेंगे तो फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, निवेश कर सकते हैं आप। बट एक, जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूँ कि निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, तो वैसा ही आपको करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।